कल का चाय वाला आज का वजीर आजम कहता है कि मुस्लिम आईटी आप देखो कितना तंग नजर है, कितनी तंग नजर है। पुराने शहर में आईटी नहीं आ गई, आया तो ऑफिस में। पुराने शहर में स्टेडियम आया, ऑफिस में। पुराने शहर में दवाखाना आया, ऑफिस में। पुराने शहर में बच्चों के स्कूल बने, अपीजमेंट। पुराने शहर में कुछ आया, अपीजमेंट। खुशनुदी मुसलमानों की, आप गौर करो क्या जुल्म है और इस जुल्म पे आवाज कौन उठा रहे हैं, कौन उठा रहे हैं जुल्म पर। ऐलान पार्लियामेंट में तनहा खड़ा होकर इनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले का नाम कोई और नहीं, आपका हमारा हरदिल अजीज शायद नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और असेंबली में हम कर रहे थे सीएए एनआरसी पर, हिंदुस्तान भर में फायरिंग हुई, हिंदुस्तान भर में एहतजाज हुआ, लोग रोडों पे थे। हैदराबाद में, अरे यहां पे इत्तेहाद है, खयादत है, जमात है और संघ परिवार आरएसएस वालों का जवाब है अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में। इसलिए हमको रोड पर आना नहीं पड़ा, सीए एनआरसी पर मुबाहस हुआ, बहस हुआ, हरारदात मंजूर हुई और ऐलान हुआ कि तेलंगाना में सीए एनआरसी नहीं होगा। क्या ये कामयाबी नहीं? आप गौर करो क्या खुसूर था, क्या खुसूर था वो ट्रेन में सफर करने वाले उस मासूम का। खुसूर यही था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था। क्या गुस्ताखी थी? कोई गुस्ताखी नहीं, बस सिर्फ ये चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी तो गोलियां मार दी गई। तो मारी हुई गोलियों पर आवाज किसने उठाई? उस बेवा को नौकरी किसने दिलाई? उन बच्चों को पैसा किसने दिलाया? उस बेवा को टू बेडरूम का फ्लैट किसने दिलाया मजलिस में? अरे मैं बताना ये चाहता हूं आपको, क्या यहां लिंचिंग है? क्या यहां पे हिजाब पे के नाम पे बच्चियों को रोका जा रहा है? क्या यहां पे मक्का मस्जिद के बाहर सफों को बनने से रोका जा रहा है? क्या बागाम की मस्जिद के बाहर भी अगर मुसल्ली आ जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या बागाम में जानेदार बिछाकर अगर कोई नमाज पढ़ ले तो उसे गिरफ्तार किया जाता है? क्या दुकानों में हलाल है तो वो हलाल के सामान को जब्त किया जा रहा है? क्या बीज बैंक के नाम पर लिंचिंग की जा रही है? जब नहीं है तो फिर जो लोग पूछते मजलिस क्या करी, अरे दीवानों यही तो मजलिस का काम है, यही तो मजलिस की कामयाबी है। फिर पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, और वो लोग जो कहते हैं कि हैदराबाद का नाम बदलेंगे, अरे कोई नहीं बदल सकता हैदराबाद का नाम, हैदराबाद था, हैदराबाद है और हैदराबाद ही रहेगा। बदल लेंगे, मजाक है, दिल लगी है, नाम बदल लेंगे। या चोरा रहने लाइट का बिल बराबर नहीं आता, मैंने असेंबली में यह भी साफ कर दिया, अब अगर कोई बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, केस बुक कराऊंगा। यहां चोर नहीं रहते, ईमानदार है। असेंबली में बोल दिया गया, असेंबली में मिनिस्टर ने जवाब दिया, कहा कि 100